हेलो बच्चों आज हम पेज नंबर ट्वेंटी वन पर एक्सरसाइज फर्स्ट करेंगे तो एक्सरसाइज है रीड दीज सेंटेंसेस इन वाक्यों को पढ़ें ये वाक्य दे रखे हैं सेंटेंसेस दे रखे हैं द फर्स्ट सेंटेंस इन ईच क्वेश्चन प्रत्येक वाक्य में फर्स्ट सेंटेंस पहला सेंटेंस डिस्क्राइब्स द सिचुएशन इन द पास्ट भूतकाल की स्थिति को का वर्णन करता है भूतकाल के बारे में बताता है बीते हुए समय के बारे में ठीक है ऐसे कार्य के बारे में जो बीते हुए समय में चल रहा था एंड द सेकेंड सेंटेंस डिस्क्राइब द सिचुएशन इन द प्रेजेंट और जो दूसरा सेंटेंस है वो ऐसी सिचुएशन के बारे में बताता है जो कि वर्तमान में चल रही है ठीक है वर्तमान की स्थिति के बारे में बताता है जी राइट द सन्टेंस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन वाक्यों को हमें दोबारा लिखना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ठीक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसे पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है यूजिंग द वर्ड्स इन ब्रैकेट्स और वर्ब हमें यूज़ करनी है जो ब्रैकेट में दे रखी है तो फर्स्ट इसमें सोल्व कर रखा है फर्स्ट देखते हैं पहले फर्स्ट सेंटेंस है इट वॉज़ रेनिंग बारिश हो रही थी इसमें बताया कि फर्स्ट सेंटेंस था, फर्स्ट सेंटेंस में सिचुएशन दे रखी है पास्ट की ठीक है सिचुएशन इन द पास्ट और सेकंड सेंटेंस में सिचुएशन इन द प्रेजेंट इट वाज रेनिंग बारिश हो रही थी नाउ देर इज़ सनलाइट एवरीवेयर अब हर जगह ठीक है, है? सनलाइट सूर्य की रोशनी है तो अब हमें वर्ब यूज़ करनी है स्टॉप और फॉर्म यूज़ करनी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ठीक है तो इट हैज स्टॉप ड्रेनिंग नाउ देयर इज सनलाइट एवरीवेयर तो आंसर बनेगा इसका बारिश रुक गई है अब हर जगह सूर्य की रोशनी है इसी प्रकार से हमें बाकी जो सेंटेंसेस हैं उनके आंसर बनाने हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर्म में और वर्ब यूज़ करनी है जो ब्रैकेट में दे रखी है सेकंड सेंटेंस है द क्लोक वॉज ऑन द टेबल घड़ी मेज पर थी नाउ इट इज ऑन द फ्लोर अब यह फर्श पर है ठीक है फर्स्ट सेंटेंस में सिचुएशन क्या है पास्ट बीते हुए समय की और सेकेंड सेंटेंस में सिचुएशन है प्रेजेंट टाइम की वर्तमान समय की घड़ी मेज पर थी अब यह फर्श पर है यूज करनी हमें वर्ब फॉल डाउन तो सेंटेंस बनेगा द क्लोक हैज फॉलन डाउन घड़ी नीचे गिर गई है नाउ इट इज ओन द्लोर सेकेंड सेंटेंस हमें एज इट इज लिखना है नेक्स्ट सेंटेंस है रियाज विंडोज वर्फुल ऑफ डस्ट रिया की खिड़कियां धूल से भरी हुई थी नाउ दे आर नोट डर्टी अब वे गंदी नहीं है वर्ब यूज करनी हमें क्लीन तो सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रिया हैज क्लीन द विंडोज नाव दे आर नोट डर ट्री रिया ने खिड़कियों को साफ कर दिया है अब वे गंदी नहीं हैं नेक्स्ट है देर वर एप्पल ऑन द ट्री पेड़ पर सेब थे नाव देर आर नो एप्पल्स ऑन द ट्री अब पेड़ पर कोई सेब नहीं है वर्ब यूज़ करनी हमें प्लग हम इसमें सब्जेक्ट अपनी जगह अपने अपनी तरफ से यूज़ कर सकते हैं आई हैव या दे है प्लगड एप्पल उन्होंने सेब तोड़ लिए हैं नाउ देर आर नो एप्पल्स ऑन द ट्री अब पेड़ पर कोई सेब नहीं है नेक्स्ट है समीरा बोज इल समीरा बीमार थी नाउ शी लुक्स हेल्दी अब वह स्वस्थ दिखाई दे रही है वर्ब यूज करनी है हमें रिकवर समीरा हैज़ रिकवर्ड समीरा ठीक हो गई है नाउ शी लुक्स हेल्दी अब वह स्वस्थ दिखाई दे रही है नेक्स्ट है द चाइल्ड वॉज हंगरी बच्चा भूखा था ही स्माइलिंग नाउ अब वह है रहा है वर्ब यूज करनी है ईट चाइल्ड अब सिंगुलर नाउन है द चाइल्ड चाइल्ड सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब यूज होगी हैज़ क्योंकि हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाना है सेंटेंस द चाइल्ड हैज़ इटन द फ्रूट्स या फूड uh, बच्चे ने भोजन खा लिया है या बच्चे ने फल खा लिए हैं ही स्माइलिंग नाउ अब वह मुस्कुरा रहा है सेकेंड एक्सरसाइज में अरेंज द वर्ड्स टू मेक सेंटेंसेस इन शब्दों को हमें क्रम में लगाना है वाक्य बनाने के लिए ठीक है हमें यूज करना है जस्ट हैज या है और पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म जस्ट का प्रयोग करते हुए वर्ड्स हैं अराइव द पार्टी रिधि एट तो रिधि सिंगुलर नाउन है पहले आएगा सब्जेक्ट जो कि रिधि है रिधि हैज जस्ट अराइव्ड एट द पार्टी सेंटेंस बनेगा विधि हैज़ जस्ट अराइव्ड द पार्टी नेक्स्ट टेक ही ए बाथ ही हैड जस्ट टेकन ए बाथ वह अभी अभी नहाया है नेक्स्ट फ्रेंड ए एक्ट माई ड्रामा इन

वेंट टू गो आउट सॉरी हैज़ जस्ट वेंट टू बाय स्नैक्स आउट कबीर हैज जस्ट वेंट आउट टू बाई स्नैक्स नेक्स्ट हैज द कम्पिटिशन स्टार्ट पेंटिंग द पेंटिंग देंटिंग कम्पिटिशन हैज़ जस्ट स्टार्टिड पेंटिंग प्रतियोगिता ठीक है अभी अभी शुरू हुई है तो इस प्रकार से आपको फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज करनी है आज इसके आंसर आपको फिर नोटबुक में नोट करने है